हेलो एवरीवन, तो आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ी हॉरर। ये मेरे पीछे आप देखिए, ये जो खंडर है इनके बारे में काफ़ी कुछ अफवाह फैली हुई है। तो भाई, कौन कौन सी स्टोरी प्रचलित है यहाँ के बारे में? देखो, स्टोरी बहुत सारी हैं, हमें नहीं पता कौन सी सही है कौन सी गलत है। पर एक स्टोरी है कि ये जो पीछे खंडर आपको दिखाई दे रहा है, इन सारे खंडर में कुछ दिनों पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फैमिली रहती थी उसके कुछ मेम्बर्स यहाँ पर ख़त्म हो गए थे। एंड उसके बाद से ये खंडर आज तक खाली पड़े हुए हैं। और यहाँ आसपास के लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, कुछ आवाज़ें आती हैं रात को, या फिर कुछ लोगों ने किसी को देखा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये प्लेस काफ़ी हॉन्टेड बन चुकी है। मतलब काफ़ी कुछ अफवाहें यहाँ पे लोगों ने फैलाई है इनके बारे में। बिल्कुल, तो ये सारे र्यूमर्स हैं, हमें नहीं पता कि सच हैं कि नहीं। तो चलो एक बार इनके अंदर चल के देख लिया जाए। अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर और पूरा सीन दिखाएंगे, और जो भी हमारी फीलिंग होगी वो हम लोग बाद में बताएंगे। एक्चुअली ये अभी दिन है, आप सोच रहे हो कि दिन में ये लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे रात में काफ़ी कुछ ऐसी हॉरर एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से हम लोगों ने रात में यहाँ पे आना अभी उचित नहीं समझा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जगह इतनी हॉन्टेड है कि यहाँ पे दिन में भी लोग नहीं जाते हैं। तो अभी हम लोग दिन में जाने वाले हैं, और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम लोग रात में भी आके यहाँ पे ज़रूर ब्लॉग शूट करेंगे। तो चलो चल के एक बार इन खंडर के अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं इस खंडर के अंदर, और ये देखिए पूरा खंडर हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पे बोला जाता था काफ़ी सारे लोग एक टाइम पे यहाँ पे जल के मर गए थे, जिस वजह से देखो यहाँ पे पूरा काली काली हो चुकी है दीवारें। ये देखिए मेरे ऊपर भी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और ऊपर देखते हैं, है ना। एक मिनट, पहले तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ अगल बगल। ये देखिए, ये काफ़ी कुछ बने हुए हैं यहाँ पे, शायद रूम बने हुए थे पहले। ये शायद, ये तो बाथरूम लग रही है ना। तो यार चलो एक बार ऊपर चल के और देख लेते हैं, पूरे कितने बड़े खंडर बने हुए हैं। देखो यार, आज की डेट में यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन अब एक्चुअली नाइट में ये जगह काफ़ी हॉरर हो जाती है। तो नाइट में तो हम लोग नहीं आ सकते थे, हम लोगों ने सोचा एक बार दिन में आके इस जगह को देखा जाए। ये भी पूरे रूम बने हुए हैं, ये तो बहुत बड़े बने हुए हैं। अच्छा, बड़ा है ये, काफी बड़ा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से जाना है कहाँ से आना है। देखो यार, जहां भी देखो वहां पे दरवाजे मिल रहे हैं। देखो यार, अरे सीढ़ियां ऊपर भी है इसके, और चले चलो एक बार इन सीढ़ियों के ऊपर और चल के देखते हैं। देखो, एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि ऐसी जो भी जगह होती है ना, यहाँ पे अक्सर हॉन्टेड स्टोरी जुड़ी होती है, इसे हॉन्टेड जगह बना दिया जाता है, लेकिन इस जगह का यूज अक्सर गलत लोग करते हैं। देखो यहाँ पे फोकस करो, आपको दिखाई दे रहा होगा। नॉर्मली आपको इसी टाइप के लोग मिलेंगे जो यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इस तरह के जो व्यूवर्स रहते हैं उनके आप विजिट ना करो, और सच जानने की कोशिश करो। ये ऊपर छत आ चुकी है, चलो एक बार छत और देख लेते हैं। तो यार ये देखिए, ये छत पे आ गए हम लोग यहाँ पे इस खंडर की, और ये काफी सारे लाइट के तार भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और बस ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों ने दारू वारू की बोतल भी डाल रखी है। तो अब शायद इस खंडर का लोग दिन में गलत यूज कर रहे हैं। एक्चुअली नाइट में यहाँ पे आने की किसी की हिम्मत होती नहीं है, लेकिन दिन में यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद आते रहते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे दिन में आके हम लोगों ने इसको एक बार चेक किया। अगर आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे तो हम लोग यहाँ पे रात में भी आके देख सकते हैं। तो इस पूरे खंडर को हमने विजिट कर लिया है, और हमें यहाँ पे इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं मिली। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, आप चाहते हो कि हम लोग इस तरह के ब्लॉग और बनाएं और रात में बनाएं, तो आप बताओ, हम लोग रात में आके भी बनाने को रेडी हैं। और इस तरह की कोई भी जो रिवर्स रहते हैं
उन पर बिलीव हमें नहीं करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सच जान सके। हमारा मकसद बस इतना था, तो इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए चलते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।